जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग सीखेंगे कि यशिष्ठ के बारे में, यशिष्ठ क्या है, कहते किसे हैं। तो यशिष्ठ जो है हिंदी में इसका नाम होता है संपत्ति, जिसे इंग्लिश में हम लोग यशिष्ठ कहते हैं। तो यशिष्ठ जो होता है, जैसे कोई सामान हो गई, कार हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गया, फोन्स हो गया, इन्हीं सबको हम यशिष्ठ कहते हैं। यह हमारे बिजनेस से जुड़ी होती हैं, तो इनका हम लोग लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो कुछ असिस्ट हमारे बिजनेस में आती भी हैं, कुछ हमारे बिजनेस से जाती हैं। तो एज ए कुछ अकाउंट पे डिपेंड होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ अकाउंट के बारे में। तो आप अगर टैली का अकाउंट नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले क्लास के वीडियो को देख लीजिएगा, और उसमें आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा अकाउंट में कि असिस्ट कब डेबिट होगी, हमारे बिजनेस में आएगी तो कब क्रेडिट होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग जानेंगे यशिष्ठ क्या है। यशिष्ठ जो है कि वह हमारे किसी भी वस्तु से जुड़ी होती है, उसे हिंदी में संपत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, फर्नीचर का, मोबाइल का, टैबलेट का, लैपटॉप का, ये सब क्या है, यशिष्ठ है। ये जो होती हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं करंट असिस्ट और एक को कहते हैं नॉन करंट असिस्ट। नॉन करंट असिस्ट को एक और नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स असिस्ट। जो करंट असिस्ट होता है, करंट मतलब होता है चल संपत्ति, मतलब कि जो कुछ ही समय तक हमारे साथ रहती है उसे कहते हैं चल संपत्ति। अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ टाइम, जो कुछ ही समय हमारे साथ रहती है उसे क्या कहते हैं, करंट असिस्ट। और नॉन करेंट असिस्ट मतलब फिक्स असिस्ट, मतलब लॉन्ग ऑफ टाइम, वह असिस्ट जो हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स असिस्ट या फिर नॉन करेंट असिस्ट। अब जैसे करेंट असिस्ट का एग्जांपल ले लें तो कैश या कैश इन हैंड, जो हमारे पास पैसा होता है वह क्या होता है, करेंट असिस्ट। वो आज है हमारे पास, कल नहीं है, फिर कल है, फिर अगले दिन नहीं है। इस तरीके से कैश का हमेशा आना जाना लगा रहता है। कैश का ट्रांजेक्शन हम लोग हमेशा करते हैं, कैश दे के बदले में कोई सामान लेते हैं, फिर वो ला देते हैं, फिर बदले में हम किसी को कुछ देते हैं, वह हमें कैश देता है। इस तरह के कैश का ट्रांजेक्शन हमेशा लगा रहता है। अब बैंक में भी रखा हुआ कैश जो होता है, बैंक का कैश जो होता है, वो भी आज एक तरीके से क्या होता है, करेंट असिस्ट होता है। हमें पैसे की जरूरत, हम अपने खाते में अपना बैलेंस रखे हैं, जाके खाते बैंक से निकाल लेंगे अपने खाते से, तो ये पैसा भी ला के अपने व्यवसाय में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी को देना है, सैलरी देना है, या फिर मजदूरी देना है, या फिर कोई सामान लानी है, तो इस तरह के अपने बिजनेस में हम यूज कर सकते हैं। तो आज ये करंट असिस्ट हो गया। अब इस तरह से फिक्स असिस्ट में जो होता है वो हमारे साथ लंबे समय तक कुछ बनी रहती है, यह दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं टेंजिबल, एक को कहते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल असिस्ट वह असिस्ट होती है जो फिजिकल से जुड़ी होती है, और इनटेंजिबल वह असिस्ट वह होती है जो फिजिकल से नहीं जुड़ी होती है, वह इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, या फिर जितने भी सॉयल, फ्लैट, ये सब सारी चीजें जितनी है, ये सब क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल की हिंदी होती है मूर्त, मतलब कि जिसे हम लोग देख सकें, छू सकें, स्पर्श कर सके, वो क्या होता है, टेंजिबल असिस्ट कहलाते हैं। तो बिल्डिंग को हम चाहें तो पकड़ लेंगे, देख लेंगे, फर्नीचर को पकड़ेंगे, देख लेंगे, तो इस तरह की सारी चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल असिस्ट कहलाती हैं। लेकिन इनटेंजिबल की हिंदी होती है अमूर्त, जो हमारे फिजिकल से नहीं जुड़ी होती है, अर्थात जिसे हम न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, केवल देख सकते हैं, वो क्या, वह असिस्ट जो होती हैं उसे कहते हैं इनटेंजिबल असिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे पेटेंट या फिर कॉपीराइट, कॉपीराइट इस तरह की डेटा वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनटेंजिबल असिस्ट कहलाते हैं। तो ये